नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं, जो सामाजिक कार्य करता है और सामाजिक विषयों पर मुद्दों पर अपनी मुखरता से आवाज उठाते हैं। कुछ मुद्दों पर हाईकोर्ट का दरवाजा तक भी खटखटा चुके हैं, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय जो है वो पहले मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। तो दरअसल वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र जो है, किस तरह से सरकारी नियमों की धज्जा यहां उड़ती है और किस तरह से कंटेम ऑफ कोर्ट यहां होता है, वो आज का मुद्दा है। पिछले दिनों इन्हीं के न्यायालय में, हाईकोर्ट में पिटीशन के ऊपर कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि अवैध स्कूलों के ऊपर, अवैध स्कूलों के परिसर में बोर्ड लगाया जाए कि ये स्कूल अवैध है, ताकि वहां पर परिजनों को ये मालूम पड़े। तो ये चीज महानगर पालिका ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ स्कूलों में बोर्ड लगने शुरू हो गए। अब इनका जो मेन मुद्दा था, वो मुद्दा था ज्ञानोदय कॉलेज का, जो कि शिक्षण माफिया अरुण वर्मा का है, और उसको लेकर हमने पहले भी खबरें बनाई है। अब उस स्कूल के ऊपर, उस कॉलेज के परिसर में भी बोर्ड लग चुका था। कल उस बोर्ड की परिस्थिति अलग थी, आज उस बोर्ड की परिस्थिति अलग है। इसी पे हम इनसे चर्चा करेंगे। इसी बीच में एक चीज और मैं आपको बता दूं, बोर्ड की ही जब बात चल रही है, एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर पर जो बोर्ड लगा, उस बोर्ड की परिस्थिति क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बोर्ड वसई हाईवे, वसई फाटा से नालासोपारा फाटा के बीच में इसी ज्ञानोदय हाई स्कूल का लगा हुआ है, जो एक अपना एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड है। उस बोर्ड की बात करें तो उस बोर्ड को क्या परमिशन है, नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोर्ड जो है लोगों को भ्रमित करने वाला बोर्ड है, जिसमें इस साल के आगामी जो शैक्षणिक ईयर है उसके आवेदन लिए जा रहे हैं और ये प्रलोभित किया जा रहा है बच्चों को, क्या इसमें एडमिशन ले। तो राजीव जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, क्या विषय था? आपने हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला था और हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि स्कूल जो है अनाधिकृत स्कूल, उसके ऊपर महानगर पालिका बोर्ड लगा है, वो क्या विषय था, थोड़ा संक्षेप में। महानगर पालिका को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई भोगालेश्वर एकेडमी है उसके ऊपर बोर्ड लगाया जाए कि उससे पालक और विद्यार्थी वर्गों को मालूम पड़े कि भाई ये स्कूल इलीगल है, अनधिकृत है, इसमें हमारे बच्चों को परमिशन नहीं लेना है, एडमिशन नहीं लेना है। तो उसके एवज में क्या कर रहा है, इन्होंने क्या किया, महानगर पालिका के जैसे कर्मचारी आए, बोर्ड वगैरह वहां पे लगाया, उन्होंने बोर्ड लगा के उसको फोटो निकाल के वो मैडम को भेजा, और उसके तुरंत एक घंटे के बाद मुझे सूत्रों से ऐसा मालूम पड़ा है कि अरुण रामकृष्ण वर्मा इन्होंने वो बोर्ड को निकलवा दिया। मतलब आपका यह कहना है कि महानगर पालिका ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करके वहां बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड को वहां से वापस हटा दिया। हाँ, एक घंटे के बाद वो बोर्ड को वहां से हटा दिया गया। आज सूत्रों से मुझे हकीकत कन्फर्म मालूम पड़ा है कि अरुण रामकृष्ण वर्मा जो माफिया है स्कूल का, उसने ही वो बोर्ड को निकाला हुआ है। तो ये कब की घटना है? ये कल बोर्ड इन लोगों ने 2 बजे लगाया, लगभग 2:30 बजे जो टाइमिंग था, टाइमिंग का कुछ कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, वो टाइम पे बोर्ड लगाया। तो उसके बोर्ड लगाने के 1 घंटे के बाद हम लोग जाके बोर्ड को देखे तो कर्मचारी लगा रहे थे, जब हम लोग उसके 1 घंटे के बाद देखने के लिए गए तो वो बोर्ड उधर था ही नहीं, तो मैंने वहां पे इंक्वायरी की आजू बाजू से, और वहां पे जो गेट है, गेट के ऊपर ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल का कैमरा लगा हुआ है, अगर तपास नहीं करेंगे तो कैमरे में उसका डिटेल्स आ जाएगा, फोन निकाले मालूम पड़ जाएगा उसके अंदर। तो राजीव जी की इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैंने इस वीडियो में देखिए, आप मैंने बोर्ड की दोनों चीजें भी लगाई हुई है, एक तरफ बोर्ड जो लगाया गया था महानगर पालिका ने, जो बोर्ड लगाया था वो बोर्ड है, और दूसरी तरफ जो बोर्ड निकाला गया, अभी चाहे 1 घंटे में निकला हो या 1 दिन में, वो कल की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति है, लेकिन बोर्ड निकला है, यानी कि जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से जो बोर्ड लगाया जाता है उसको ये माफिया किस तरह से तुरंत उखाड़ के फेंक देते हैं, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर तो ऐसा है कि इस अवैध बिल्डिंग को ही उखाड़ के फेंकना है, लेकिन अवैध बिल्डिंग उखाड़ के फेंकने की बजाय बोर्ड को उखाड़ देते हैं। राजीव जी, एक और विषय जो मैंने अभी वीडियो में बोला था, हाईवे पर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एडमिशन ओपन करके लिखा हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहूंगा
कि महानगर पालिका जब वहां पे बोर्ड लगा सकती है कि बच्चों ये इलीगल स्कूल है, इसमें कोई भी परमिशन न ले किसी भी प्रकार का, तो एक महानगर पालिका जो इलीगल बैनर लगाया हुआ है इसका वो निकालना चाहिए, महानगर पालिका का काम है। एक तरफ से महानगर पालिका अरुण राम विष्णु वर्मा को सह दे रही है कि तुम एडमिशन करो, बच्चों का बोर्ड वो खुद लगा रही है, महानगर पालिका को इतने सब बोर्ड निकालते हैं, राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड निकालती है महानगर पालिका, तो वो बोर्ड उनको स्कूलों के में दिखते हैं, वो क्यों नहीं बोर्ड हटाते हैं, क्योंकि मेरा कंप्लेंट भी है कि ये सब बोर्ड निकालो जितने इलीगल बोर्ड लगे हुए हैं अरुण वर्मा के एडमिशन के। उसके बाद कुछ दवाई मेरे पास कॉपी है ऐसा कि सर इन्होंने जो अरुण राम कृष्ण वर्मा ने सरकारी मालमत्ते का जो नुकसान किया है उसके ऊपर उसको गुना दाखिल करना चाहिए महानगर पालिका को। अभी मैंने लेटर भी बनाया हुआ है, महानगर पालिका शनिवार होने के और आज संडे हो गया, इसकी वजह से मैंने दिया नहीं, कल मेरा मैडम के सामने मेरा अपॉइंटमेंट है, कल मुझे मिलना है उनको लेटर देने के लिए कि इसके ऊपर सरकारी मालमत्ते का नुकसान पहुंचाया हुआ है रामकृष्ण कुटुंब और मैंने हाईकोर्ट का अपमान किया हुआ है उसके ऊपर, अभी अनिल पवार जी क्या एक्शन लेते हैं अभी मैं देखता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि कल मैं लेटर देने वाला हूँ। जैसा अभी अनिल बताया थे वैसे मेरा महानगर पालिका अंतर्गत पिछले दो साल से इनलीगल अवैध होल्डिंग और अवैध बोर्ड को लेकर काफी कार्यवाही हुई थी पिछले दो साल, पिछले साल हुई थी, उसके बाद में लीगलाइज तरीके से यहाँ के लोगों ने उन बोर्ड को लगाया और महानगर पालिका से परमिशन लेकर बकाया था उसका जो भी प्रोसीजर था वो करके लिया, उसमें महानगर पालिका का टैक्स उन्होंने चुकाया। अब सवाल ये है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं क्या इसकी परमिशन है, अगर है तो परमिशन का कहीं पे कुछ नोंद क्यों नहीं है, और जैसा अभी इन्होंने कहा है पहले से ही कि ये अगर परमिशन हो तब भी ये बोर्ड लगाना गलत क्यों है, क्योंकि प्रलोभन दिया जा रहा है, एडमिशन का प्रलोभन दिया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए, हर बार ये यही आरोप लेते हैं कि हमारे यहाँ अभी बच्चे पढ़ रहे हैं इसके लिए हम अभी तत्काल समय में इसको निष्कासन नहीं कर सकते, तो अगर इसी तरह से एडमिशन होते रहेंगे तो ये इमारत जिसको अवैध ठहराया गया हाईकोर्ट द्वारा वो कब ध्वस्त होगी। अभी हाल ही में हमने ट्विन टावर का देखा है, ट्विन टावर जो उत्तर प्रदेश में नोएडा में ट्विन टावर को वहां के अथॉरिटी ने गिराया था, उसमें कई टेनेंट थे, कई लोग थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का क्लियर उसमें ये वर्डिक्ट था हो कि कितने भी लोग रहने दो लेकिन इसमें अनियमितताएं हैं, इसके लिए इनको नहीं बख्शा जाएगा। तो फिर वसई विला महानगर पालिका अंतर्गत जो कि पूरी तरह से इलीगल है उनको क्यों बख्शा जा रहा है, महानगर पालिका जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि शेयर दे रही है, तो क्या वास्तव में महानगर पालिका शेयर दे रही है, महानगर पालिका को जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ महानगर पालिका बोर्ड लगाकर अपनी इतिश्री कर देती है, हमने बोर्ड ऑर्डर हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ हमने बोर्ड लगा दिया, ठीक है हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया आपको ऑर्डर पालना ही था, लेकिन उस बोर्ड को फिर से हटा देते तब आपने क्या गुनाह दाखिल किया, ये सवाल पड़ता है। तब देखते हैं इसमें महानगर पालिका आगे क्या करती है, और राजीव जी हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, हम भी आवाज उठाते रहते हैं, इसके पहले भी हमने कई खुलासे किए थे, लेकिन हमारा प्रशासन जो है वो बिल्कुल से नकारा हो चुका है ऐसा प्रतीत होने लगा। कई बार अभी प्रशासक राज है तो लोगों में ऐसी उम्मीद है कि प्रशासक राज में शायद उनकी कुछ सुनवाई हो जाए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर चाहे किसी कोई सत्ता में रहे या प्रशासक राज रहे पब्लिक की सुनी नहीं जाती है और इलीगल धंधों को यहाँ पर काफी बढ़ावा दिया जाता है। तो अभी राजीव जी से मुलाकात यहीं पे हम खत्म करेंगे, राजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।